जो पहले जो 3 महीने उन्होंने स्पीड दिखाई थी, उसी स्पीड से अगर काम करती है तो निश्चित रूप से हरियाणा आगे बढ़ेगा और ये टीम सैनी हरियाणा को आगे लेकर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में भाजपा बनी, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद मंत्रिमंडल जो है उसका गठन हुआ और मंत्रिमंडल के बाद उनको विभाग भी सौंप दिए गए हैं। अब बात करते हैं संकल्प पत्र की। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो संकल्प पत्र था उसमें 20 संकल्प जो है वो दिखाए थे, और क्या अब जो नायब सिंह सैनी सरकार है ये 20 के 20 संकल्प को पूरा करने के लिए जो है वचनबद्ध रहेगी? क्या उनको पूरा करने के लिए उसी स्पीड से काम करेगी जिस स्पीड से पिछले जो 3.5 महीने रहे हैं चुनाव से पहले उनमें नायब सिंह सैनी ने काम किया? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, जैसा कि चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्होंने एक बड़ी स्पीड के साथ ऐलान किए, बड़ी स्पीड के साथ उन्होंने काम किए, तो अब मंत्रिमंडल बन गया है, सबको उनके उनके विभाग जो है सौंप दिए गए हैं। क्या ये जो मंत्रिमंडल है या नायब सिंह सैनी सरकार है, क्या उसी स्पीड से काम कर पाएगी जो 20 के 20 संकल्प इन्होंने संकल्प पत्र में अपने लोगों को दिखाए थे? क्या उनको पूरा करने के लिए उस स्पीड से काम कर पाएगी? देखिए, जैसा आपने बताया कि क्या जो नायब सिंह सैनी सरकार, वो जो चुनाव से पहले उन्होंने लगभग 3 महीने का समय जो मिला उसमें बड़ी स्पीड से उन्होंने नए कार्यक्रम, नई योजनाएं बनाई और उन पे काम भी किया जी। और उनका फल उनको जो विधानसभा चुनाव में मिला, उनकी सरकार बनी, दोबारा से मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली और कहीं ना कहीं जनता में भी एक मैसेज गया है नायब सिंह सैनी के नेतृत्व का कि नायब सिंह सैनी स्पीड से और ज्यादा स्पीड से काम कर प्रदेश को ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अब दोबारा जब मुख्यमंत्री बने हैं और 5 साल के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या उसी स्पीड से काम कर पाएंगे जी? तो ये मुझे लगता है शुरुआती दौर में उन्होंने जिस स्पीड से उनके टीम मुख्यमंत्री की टीम है उन्होंने जो काम करना शुरू किया है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी स्पीड उन्होंने स्टार्टिंग में शुरू में पकड़ी है। अगर इसी स्पीड से काम करते रहे तो निश्चित रूप से हरियाणा आगे बढ़ेगा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या इसी स्पीड से अपनी टीम पर टीम इनकी टीम काम कर पाएगी जी। तो जिस प्रकार से आपने देखा राव नरवीर सिंह जी ने जो वहाँ गुड़गांव में उनके ऑफिसर्स की मीटिंग ली और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कोई भी अधिकारी अगर किसी तरह का भी भ्रष्टाचार के मामले में अगर कोई पैसे लेता हुआ पाएगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की जो एक बोल्ड स्टेटमेंट उनको कह सकते हैं, इस तरह की जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है और एक अधिकारियों को संदेश दिया कि कहीं ना कहीं काम के मामले में कोई बर्दाश्त कम जो इसका काम कम होगा उनको बर्दाश्त, भ्रष्टाचार जो है बर्दाश्त नहीं किया, भ्रष्टाचार के मामले में किसी अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जी, 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 और जी। बक्सा नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ अंबाला में उन्होंने अनिल विज ने जो मीटिंग ली थी उन्होंने अधिकारियों को अपने जो लेट हुए थे अपनी उनकी मीटिंग में आने से उन्होंने एकदम से कह दिया कि ये कोई टाइम आने का और उन्होंने बड़ा हड़काते हुए अब की भाषा में उन्होंने जी, अनिल विज तो वैसे भी इन चीजों अधिकारियों मशहूर रहे हैं, अधिकारियों को कहा कि उन्होंने मैसेज देने का एक वो किया है, काम किया है कि अधिकारी तत्परता से काम करें और ईमानदारी से काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार से इनके सामने कई चुनौतियां हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती है और एक पोर्टल की समस्या जो आई थी जो विपक्ष ने भी एक मुद्दा बनाया था चुनाव में मुद्दा रहा है और जो किसान की जवान की पहलवान की जो विपक्ष ने जो ये मुद्दे बनाए थे और इन मुद्दों पे काम करने के लिए इनके सामने चुनौतियां रहेंगी। और वैसे भी अब हरियाणा में तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसी तरह से तीसरी बार जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है,
तो डबल इंजन की सरकार जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं डबल इंजन क्या ये कहीं ये भी तीन इंजन हो जाएंगे, कहीं ना कहीं जो इनके गवर्नर हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, तो डेफिनेटली गवर्नर की तरफ से किसी तरह का कोई हर्डल मुझे लगता है, किसी तरह का किसी कठिनाई का सामना मुझे लगता है जी 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 नायब सिंह सरकार को नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल। तो ये आप देखने वाली बात है कि जो 20 संकल्प हैं इन पे किस स्पीड से काम कर पाएगी, अगर इसी जो पहले जो 3 महीने उन्होंने स्पीड दिखाई थी उसी स्पीड से अगर काम करती है तो निश्चित रूप से हरियाणा आगे बढ़ेगा और ये टीम सैनी हरियाणा को आगे लेकर जाएगी डेफिनेटली। तो आपके हिसाब से कि जो टीम सैनी है उसको डेफिनेटली जो स्पीड है काम को स्पीड अप करना पड़ेगा और स्पीड से ही काम करेगी डेफिनेटली, इस पर एक विश्वास जो है वो लोगों का बन सकता है। देखिए जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होता है इसमें प्रधानमंत्री का आना, उसके बाद एनडीए के बड़े नेता लगभग 20 के करीब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आना, कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी की जो सरकार है उसकी जो पावर है जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी उसकी पावर को कहीं ना कहीं पुख्ता करता है। तो क्या जो नायब सिंह सैनी है वो ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो अपने निर्णय लेने में सक्षम होंगे? देखिए शपथ ग्रहण समारोह में जो इन्होंने एक बहुत बड़े शो का आयोजन जो किया है उससे प्रधानमंत्री जी का शपथ समारोह में आना और अमित शाह जी का शपथ समारोह में आना और इसके साथ साथ 20 से भी अधिक जो एनडीए शासित प्रदेश हैं उनके चीफ मिनिस्टर का यहाँ पे आना और बड़े बड़े जो भी वीवीआईपी थे उनके और जो दूसरे नेता हैं उनका यहाँ पे आना और एक प्रदेश की हजारों हजार की संख्या में प्रदेश की जो जो पब्लिक इकट्ठी हुई है, प्रधानमंत्री जी के आने से एक मैसेज गया है, अमित शाह जी के आने से एक मैसेज गया है, एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर का मैसेज गया है कि पूरी एक इंडिपेंडेंट रूप से ये फैसले ले पाएंगे और एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री का संदेश हरियाणा की जनता को दे के गए हैं वो और हरियाणा की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी एक पावरफुल एक सशक्त और इंडिपेंडेंट जो काम कर सकेंगे ये संदेश देने का प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या मुख्यमंत्री सैनी अपनी जो इतनी पावर प्रधानमंत्री जी ने सौंपी उस पावर से वो काम कर पाएंगे निर्णय सही ढंग से ले पाएंगे। जैसे हमने पहले बताया कि कई प्रकार की उनको उनके सामने जो चुनौतियां और एक और सबसे बड़ी चुनौती पहले भी हमने बात की है हरियाणा में कानून व्यवस्था की चुनौती जी, तो कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर हैं गैंगस्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं और छोटी मोटी जो घटनाएं हैं वो हरियाणा में बड़ी हैं पिछले कई साल में जी, और उनको कवर करना उनको उन पे काम करना ये उनके सामने एक चुनौती है और इससे जो अमित शाह जो शपथ समारोह से पहले एक दिन आए थे हवाई अड्डे पर उनका स्वागत सभी नेताओं ने किया था प्रधानमंत्री विधायक दल की मीटिंग जब हुई थी और वहां पे वो जो डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर वहां पे भी वो भी खड़े हुए थे और डीजीपी से स्पेशल मिले हैं अमित शाह जी और डीजीपी को एक संदेश दिया है कि हरियाणा में किसी तरह की जो कानून ढीली डाली जो कानून व्यवस्था है उसको किसी प्रकार से ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी एक संदेश मिला है गृहमंत्री की तरफ से और मुख्यमंत्री सैनी को भी एक संदेश मिला है कि कानून व्यवस्था के मामले में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए जी, और इससे मुझे लगता है कानून व्यवस्था पे अगर बेहतर स्थिति कर पाए मुख्यमंत्री जी आदि समस्याएं तो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं और ये पब्लिक को भी लगेगी एक एक मुख्यमंत्री सैनी एक स्पीड से काम करने लगे हैं। बिल्कुल ठीक है ये। देखिए अगर बात करें पिछले कार्यकाल की, अगर भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल की बात करूं तो मनोहर लाल खट्टर जो है वो हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका कार्यकाल लगभग 9.5 साल के करीब रहा है, इससे भी थोड़ा सा ज्यादा रहा है। तो 9.5 साल में उन्होंने बहुत सारे ऐलान किए होंगे, बहुत सारे योजनाएं शुरू की होंगी, क्या ये नायब सिंह सैनी सरकार जो है उन योजनाओं पे आगे कार्य करेगी या उस पर समीक्षा कर सकती है? देखिए मनोहरलाल जी की सरकार में जो पार्ट 1 पार्ट 2 था उन्होंने जो एक योजनाएं हैं जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे उन पे निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी उन पे आगे बढ़ेंगे, जैसे सुशासन मिशन का कार्यक्रम था उनका, अंत्योदय उत्थान का कार्यक्रम था उनका और जो परिवार पहचान पत्र का जो पोर्टल अलग अलग सेवाओं के जो जो सरकार की नीतियों से सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं उनको
पोर्टल पे लाने का जो काम किया है उस पर निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा इनको। अगर पोर्टल पे जो सेवाएं हैं उन पे अगर काम नहीं कर पाए तो जनता में और नाराजगी आएगी, क्योंकि एक मुद्दा बना था। और ये निश्चित रूप से विषय मैं कह सकता हूँ कि ये जो पोर्टल का जो शुरू किया था ये कहीं ना कहीं एक आम जनता के लिए परेशानी का सबब भी बने हैं जी। लेकिन अब सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पोर्टल के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और इसकी हर रोज की समीक्षा इसको जो पोर्टल पर डालने जो योजनाएं हैं और जो सेवाएं हैं उनका समीक्षा हर रोज की जाएगी। जी जी, मुझे लगता है अगर इस पे काम हो पाया तो काफी सारी समय लोगों की समस्याएं हल हो सकती हैं जी। और 20 संकल्पों की आपने बात की तो 20 जो संकल्प अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे उन संकल्पों को भारतीय जनता पार्टी ने एक सीरियस डॉक्यूमेंट बताया था और उस उन डॉक्यूमेंट्स पे काम करने के लिए एक सीरियसनेस उनको भारतीय जनता पार्टी को नायब सिंह सैनी को दिखानी होगी। अगर उन पे एक सीरियसनेस उन पे दिखा पाए तो और जनता का और विश्वास ज़्यादा उनका उन पे कायम होगा। जैसे जिस प्रकार से उन्होंने 2-3 अभी बनते ही फैसला लिया है आरक्षण में आरक्षण कोटा मतलब कोटे में कोटा ये फैसला लिया है और हालांकि बहुत जल्दबाजी में फैसले लिया गया लेकिन उन्होंने बनते ही इस तरह का जो फैसला लिया है एक वो जनता के प्रति जवाबदेही दिखाई उन्होंने जी। तो इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्पीड का पता चलता है कि अभी टॉप गियर में ये काम कर नॉन स्टॉप हरियाणा के तरस पर काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि कितने दिन ये स्पीड बना पाते हैं। अगर लगातार इनकी स्पीड यही रही तो विशेष निश्चित रूप से जनता को फायदा होगा Definitely. और हरियाणा भी आगे बढ़ेगा। तो इन सारे जो संकल्प पत्र उन्होंने घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था उसके साथ साथ और भी समस्याएं हरियाणा में कई प्रकार की समस्याएं जैसे किसानों के मुद्दों को हल करना होगा किसानों जी एक बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव में किसानों का MSP देने का हालांकि 24 फसलों पर जो MSP देने का ऐलान ऑलरेडी हो चुका है सरकार नायब सिंह सैनी सरकार पहले कर चुकी है जी, जी, जी। और उस पर और उसके साथ साथ जो फसल बीमा जो योजना है उस पर कहीं ना कहीं प्रभावी रूप से काम करने की जरूरत है जी। फसल बीमा से संबंधित बहुत लोगों की शिकायतें किसानों की शिकायतें आई थी और उनको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करना उन समस्याओं को जी, ये प्राथमिकता के रूप में देखनी होगी सीएम सैनी ने। और कई सारी जो हर वर्ग की जो समस्याएं जिन्होंने विपक्ष ने जिनको भुनाया था एक मुद्दा बनाया था जी, उन समस्याओं पर बेहतर कहीं ना कहीं अग्निवीर जो योजना की बात की उन्होंने हालांकि पहले जो नायब सिंह सैनी का जो प्रथम काल था 3 महीने का उन्होंने एक कैबिनेट में फैसला लिया था कि अग्निवीर जो 4 साल की नौकरी करके प्रदेश में आएंगे वापिस आएंगे उनको कहीं सरकारी नौकरी उनको दी जाएगी और सभी को एडजस्ट किया जाएगा। ये बड़े अच्छे फैसले पहले थे लेकिन अभी भी अगर इसी स्पीड से मुख्यमंत्री सैनी साहब अपनी सरकार को चलाते हैं तो डेफिनेटली दूसरी तरफ पहलवानों की बात लोकप्रियता भी बढ़ेगी उनकी जी 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 लोकप्रियता भी बढ़ेगी और उनकी जो क्योंकि खेलों में हरियाणा जो है देश में हमेशा अग्रणी रहा है तो उस तरफ भी कहीं ना कहीं जो है अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे पिछले दिनों एक पहलवानों वाला प्रकरण हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ठेस तो लगी है हालांकि वो जो इस बार चुनाव में मुद्दा इतना सॉलिड मुद्दा नहीं बन पाया लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें देखनी पड़ेंगी सरकार युवाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पे भी उन प्रभावी रूप से काम करने करना पड़ेगा। बहुत सख्त जरूरत है बेरोजगारी की समस्या हरियाणा में है जी। और खिलाड़ियों और जैसे पहलवानों की आपने बात की तो उनको भी एक 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 पटल जी बिल्कुल हरियाणा नंबर 1 पे रहता है हमेशा खेलों में पटल मुहैया करवाना ये भी प्राथमिकता होनी चाहिए और रहेगी और इसके लिए मुझे लगता है जो एक युवा को खेल मंत्रालय का खेल विभाग का जिम्मा सौंपा है गौरव गौतम को खेल मंत्री बनाया गया जी। मुझे लगता है इसी उद्देश्य को लेकर एक युवा जो विधायक को मंत्री बनाया है इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने ये काम इस काम के लिए आगे बढ़े हैं जी बिल्कुल। तो इस तरह से और जो मंत्रिमंडल है मंत्रिमंडल में 7-8 जो मंत्री बनाए गए हैं वो बहुत अनुभवी हैं और उनका अनुभव का कहीं कहीं फायदा उनको
जो सैनी सरकार है इनको मिलेगा, और कई युवा चेहरे हैं जो पहली बार हैं, श्रुति चौधरी हैं, आरती राव हैं, आरती राव हैं, और एक दो और हैं जो युवा भी हैं और उनका लेकिन पढ़े लिखे हैं वो जी, उनकी एजुकेशन का फायदा उनको डेफिनेटली मिलेगा। और 7-8 जिसकी हमने बात की है वो एक अनुभवी मंत्री है, उनका निश्चित रूप से फायदा लाभ उनको मिलेगा जी जी। ये इस प्रकार से अगर सरकार इन जो जो आम जन से जुड़ी हुई समस्याएं उनको बेहतर तरीके से उन पे काम कर पाए तो मंत्रिमंडल की बात करें तो कहीं ना कहीं एक यू कहें कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया उसमें कहीं ना कहीं सभी जातियों को जो है सही ढंग से बैलेंस बनाया गया उसका, और उसके साथ ही इस बार एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ साथ कुछ नए चेहरों को भी एक मौका दिया गया। उसमें जो नए हैं तो वो सब एजुकेटेड और पढ़े लिखे और अच्छे घरानों से वो सब लोग रहे हैं, तो इस चीज का कहीं ना कहीं पब्लिक को फायदा जरूर मिलेगा। देखिए सभी जातियों से सभी समुदायों से सभी वर्गों से मंत्रिमंडल एक तैयार किया गया है, और एक जो सोशल सिस्टम है उसमें भी ये बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, और जो सरकार की योजनाएं हैं सरकार के कार्यक्रम हैं अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी और सरकार की स्पीड शुरू शुरू में पता चल जाता है, अगर अच्छी स्पीड से सरकार काम करती है तो निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों को फायदा होगा डेफिनेटली होगा। सो दोस्तों, नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री का शामिल होना, गृह मंत्री का शामिल होना और एनडीए के बड़े नेताओं का शामिल होना कहीं ना कहीं उनकी जो कुर्सी है या उनकी जो पावर है उनको कई गुना बढ़ाता है। अगर नायब सिंह सैनी इसी स्पीड से काम करेंगे तो डेफिनेटली 5 साल में वो एक सशक्त सरकार, एक बड़ी सरकार, एक अच्छी सरकार हरियाणा को दे सकते हैं और हरियाणा की तरक्की में वो एक बड़ा योगदान जो है वो दे सकते हैं। खैर, आने वाले समय में जो नायब सिंह सैनी हैं ये क्या करते हैं, किस तरह के फैसले लेते हैं, पिछली मनोहर लाल सरकार जो है उसके सरकार की शुरू की हुई योजनाओं पे आगे कुछ समीक्षा करते हैं या उनको कंटिन्यू करते हैं, इन सब पे चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।